आगे बढ़ते हैं, चौथा अध्याय शुरू करते हैं, दिव्य ज्ञान, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले सूर्य देव को भगवान ने ये शिक्षा दी थी, उसके बाद उन्होंने मनु को दी थी, जो जिन्हें मनुष्य के पिता बोला जाता है, मनुष्यों के पिता। मनु को फिर ये ज्ञान दिया था, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। लेकिन ये 20 लाख वर्ष पहले कहाँ हुई थी, ये मानव समाज में हुई थी, इक्ष्वाकु सुनाई गई थी मनु के द्वारा। लेकिन भगवान ने कहा कि उन्होंने सूर्य विवस्वान को भी सुनाई थी, तो उनको कब सुनाई थी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। भगवद गीता का पाठ चल रहा है, अध्याय 3 कल पूर्ण हो चुका है। अध्याय 3 कर्मयोग पर आधारित था। तो कर्मयोग में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया था कि हमें हर कार्य कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। हमारा जो भी भौतिक कर्म होते हैं अर्निंग के लिए या कोई और कर्म होते हैं, वो हर कर्म हमारा कृष्ण भावनामृत से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो जिसमें भगवान का लिंक ना हो। कोई भी कार्य हम करें, कोई शॉप करें, नौकरी करें, हर कार्य के पीछे भाव ये होना चाहिए कि हम ये कृष्ण की सेवा के लिए कर रहे हैं। तब हम 24 घंटे भक्ति में रत हो जाएंगे, 24 घंटे हमारा भक्ति में काउंट होगा। तो ये था कर्मयोग का मेनली संदेश। तो किस तरह से भगवान ने कर्म करने के लिए संदेश दिया है, इस जो चौथा अध्याय आएगा इसके बाद फिर से कर्मयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। तो अभी चौथा अध्याय शुरू होने वाला है, चौथे अध्याय में इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो अब भगवान ज्ञान के बारे में बताएंगे, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को हर पहलू से समझाने का प्रयत्न किया है, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से। और उसके बाद भगवान बताएंगे कि इन सभी योगों में श्रेष्ठ कौन सा योग है, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग। पहले सबका वर्णन करेंगे अलग अलग, फिर उनमें से श्रेष्ठता बताएंगे। और जो श्री कृष्ण श्रेष्ठता बताएंगे हमें, वही हमें भी एप्लीकेबल करना है अपने जीवन में। ऐसा नहीं कर्म ही जीवन है, कर्म ही ये है, कर्म ही भक्ति है, ये कोई बात नहीं होती। जो श्री कृष्ण कहेंगे वही होगा। या कहेंगे ज्ञान से ही सब कुछ संभव है, ध्यान से ही सब कुछ संभव है, ध्यान से हमारे मुद्रा ऐसे हो जाती है, हमारा शरीर आत्मा से मिल जाता है, ऐसा नहीं होगा। जो भगवान कहेंगे वही सत्य होगा। तो आइए अब दिव्य ज्ञान जो शीर्षक है चौथे अध्याय का, वो शुरू करते हैं, हरे कृष्णा। उससे पहले हम भगवान की आराधना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा अध्याय शुरू करते हैं, दिव्य ज्ञान, हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मन विप्राह मनो इक्ष्वाकवि अब्रवी। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। हरे कृष्णा। अब इक्ष्वाकु कौन है? सबसे पहले बात आती है कि भगवान ने जो ये गीता का ज्ञान दिया, ये सिर्फ 5000 साल पहले नहीं दिया, इससे पहले भी भगवान ये दे चुके हैं। किसको दे चुके हैं? जो विवस्वान है, विवस्वान को सबसे पहले, सूर्यदेव विवस्वान सबसे पहले उनको ये ज्ञान भगवान ने दिया था। उसके बाद उन्होंने मनु को ये ज्ञान दिया, मनु ने फिर आगे इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। अब बात ये है कि जो ये हुआ था, ये ज्ञान कब दिया गया था, इक्ष्वाकु कब हुए थे? इक्ष्वाकु त्रेता युग में थे, श्री राम के युग में थे, श्री राम के पूर्वज हैं इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के हैं श्री राम जी। तो ये हुआ कब था, कितने साल पहले हुआ था? अब अगर हम गिनती करें जाए, कलयुग की आयु कितनी है, 4,32,000 वर्ष,
और उससे पहले कौन सा युग था, द्वापर युग था, उसकी आयु कितनी है, डबल ऑफ कलयुग, कलयुग की डबल होती है तो कितनी होगी, लगभग 8,64,000। इतने साल द्वापर युग की आयु हो गई और उसके ऊपर त्रेता युग, त्रेता युग की आयु कितनी हो गई, कलयुग की 3 गुना, तो लगभग कितनी हो गई, 12,96,000। इतने 12,96,000 वर्ष इतनी होगी त्रेता युग की, तो सतयुग की कितनी होगी, 4 गुना ऑफ कलयुग। तो अब यहाँ पर यह देखने की बात है कि जो ये ज्ञान दिया गया था भगवान के द्वारा, ये कब दिया गया था, इन्होंने विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। विवस्वान कौन है, विवस्वान वो है हु इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ सूर्य देव। उन्होंने सूर्य देव की पोस्ट को होल्ड किया हुआ है बाय लॉट ऑफ कर्मास, बहुत सारे पुण्य करके उन्होंने ये सूर्य देव की पोस्ट को प्राप्त किया है। लेकिन ये काफी लंबे समय तक चलता है, इसलिए हमें इस चीज का पता नहीं चलता कि कौन विवस्वान है कौन सूर्यदेव है। तो विवस्वान सूर्यदेव ही है। तो सबसे पहले सूर्यदेव को भगवान ने ये शिक्षा दी थी, उसके बाद उन्होंने मनु को दी थी, जो जिन्हें मनुष्य के पिता बोला जाता है, मनुष्य के पिता मनु को फिर ये ज्ञान दिया था, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया था। तो कितने साल पहले हुआ, मोटा मोटा 5,000 साल लगा लो कलयुग के, क्योंकि अभी तक 5,000 साल ही हुए हैं, और द्वापर युग के लगा लो फिर पूरा का पूरा द्वापर युग आएगा इसमें, और त्रेता युग पूरा आएगा इसके अंदर। तो मोटा मोटा से देखे तो हम 2,00,000 साल हो चुके हैं भगवान को ये ज्ञान दिए हुए। तो ये बात यहाँ पर कंक्लूड हो गई कि भगवद गीता 2,00,000 वर्ष पहले हुई थी, लेकिन ये 2,00,000 वर्ष पहले कहाँ हुई थी, ये मानव समाज में हुई थी, इक्ष्वाकु को सुनाई गई थी मनु के द्वारा। लेकिन भगवान ने कहा कि उन्होंने सूर्य विवस्वान को भी सुनाई थी, तो उनको कब सुनाई थी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो मनु की आयु, जो अब के मनु है, सातवें मनु चल रहे हैं अब, तो मनु की आयु लगभग लगभग 30 करोड़ वर्ष बताई गई है, 30 करोड़ और कुछ लाख वर्ष ऐसे बताई गई है। तो बिल्कुल पूर्णता से इसको देखें हम तो 30 करोड़ और 53 लाख वर्ष की आयु मनु की है, जो अब मनु चल रही हैं, और उसमें से लगभग 12 करोड़ और 40 लाख वर्ष की उनकी आयु हो चुकी है। तो इस तरह से यानी कि जब मनु हुए थे तब उन्होंने ये कथा उनको सुनाई होगी इक्ष्वाकु को। तो मोटा मोटा सा अगर हम देखें कि 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले भगवान ने ये कथा सूर्यदेव को सुनाई थी, यानी कि जब मनु का जन्म हुआ होगा उस समय सूर्यदेव को सुनाई होगी, या मनु थोड़े से बड़े हो गए होंगे, 5-10 साल के 20 साल के, थोड़े से साल लगा लीजिए ना, करोड़ों में तो उसका कुछ गिनती आएगी नहीं। तो उस समय भगवान ने ये गीता सुनाई होगी सूर्यदेव को, यानी कि सूर्यदेव ने फिर मनु को सुना दी थी, यानी कि कम से कम 12 करोड़ वर्ष तो हो चुके हैं इस भगवद गीता को, थोड़े से उससे ज्यादा ही हुए हैं, और मानव समाज में ये 2,00,000 साल पहले हुई थी। तो यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि भगवद गीता कोई आज का ग्रंथ नहीं है, जहाँ पर लोग बोल देते हैं दिस इज ए माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, इसको माइथोलॉजी बोल देते हैं, अंग्रेज लोगों को तो पता ही नहीं क्या है ये, दिस इज ए माइथोलॉजी। पर जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिक्स इसको मान रहे हैं, महात्मा गांधी मान रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसको मान रहे हैं, तो ये माइथोलॉजी कैसे हो गई। 12 करोड़ साल पहले जो चीज बता दी गई, छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हमारी साइंस पे बेस्ड होते हैं, वो भगवान ने पहले ही बता दी हैं, तो माइथोलॉजी कैसे होगी। 5 × 5 = 25, इस तरह की चीजें, ये गणित, वैदिक विज्ञान, ये तो बहुत पहले दिया जा चुका है, अब तो हम इसे दूसरी तरह से समझ रहे हैं। तो गीता कम से कम 12 करोड़ वर्ष पहले तो हुई ही थी, इससे भी ज्यादा हुए थे जब भगवान ने सूर्यदेव को ये सुनाई थी। तो वही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने ऐसे ऐसे ये ज्ञान दिया था, उसके बाद तो मैंने अब दिया है, लेकिन वो बीच का पार्ट कहाँ है, वो अगले श्लोक में क्लियर होगा कि मतलब 2,00,000 साल पहले जो ज्ञान दिया था और उसके बाद अब 5,000 साल पहले दिया है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें क्या हुआ, वो अब करते हैं। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयः विदुः सकाले इह महता योगनाष्टा परंतप। हरे कृष्णा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जैसे ये ज्ञान 2,00,000 साल पहले, मोटा मोटा सा एक अप्रोक्सीमेटली 2,00,000 साल पहले किया गया था, तो यह ज्ञान
राजर्षियों के लिए दिया गया था, किंग्स के लिए दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए दिया गया था, ताकि वो इस ज्ञान को लेके सही से एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, राजा सही से अपनी राजगद्दी को संभाल सके और धर्म के अनुसार ही निर्णय ले। तो ये बड़े लोगों के लिए मेनली ज्ञान दिया गया था, ऋषियों के लिए, सिद्ध ऋषि मुनियों के लिए और राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनके लिए ज्ञान दिया गया था। लेकिन ये ज्ञान धीरे 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 छिन्न हो गया, किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या ये कह लीजिए कि इसका किसी ने प्रचार प्रसार आगे नहीं किया, इसलिए धीरे धीरे यह लुप्त हो गया ऐसा लगता है। क्योंकि आजकल भी अगर देखा जाए कि भगवद गीता भी कहाँ किसी को इतनी समझ में आती है, कोई इसका ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुत ही कम करता है। टीवी में भी देख लीजिए आप, टीवी में भगवद गीता करता हुआ कोई आपको दिखता है कि कोई भगवद गीता कर रहा हो या कोई सुन रहा हो, और बाकी सोशल मीडिया पे भी भगवद गीता की चर्चा कम ही होती है, भागवत की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भगवद गीता का ज्ञान काफ़ी समझने वाला है, काफ़ी गूढ़ है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पड़ता है अगर कोई ध्यान से ना सुने तो, पर ध्यान से सुनो तो समझ आ जाएगा। तो इस वजह से धीरे 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 ये लुप्त होता गया था। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, किंतु ये समझना एक बड़े लेवल के लिए है, कोई उच्च अधिकारी हो उसके लिए बहुत आवश्यक है इस ज्ञान को समझना। तो हमारे लिए ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है ताकि हम धर्म के अनुसार कार्य कर सकें और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि ये लुप्त हो गई थी, तो इसलिए उन्हें दोबारा ये ज्ञान देना पड़ा 5000 साल पहले अर्जुन को। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। योगः प्रोक्तः पुरातनः भाता आसी मे सखा च इति रहस्यम हि एतदुत्तमम्। हरे कृष्णा, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। हरे कृष्णा, तो कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं वो ज्ञान अब तुम्हें दे रहा हूँ, ईश्वर के साथ तुम्हारा क्या संबंध है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। ये ज्ञान मैंने पहले तब दिया था विवस्वान को, लेकिन आज मैं तुमसे ये ज्ञान कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र भी हो और भक्त भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात भगवान ने कही है कि जिसको ये ज्ञान चाहिए उसके अंदर दो क्वालिटीज होनी चाहिए। अब आप भी देख लीजिए कि ये कथा कितने लोग सुन रहे हैं, जो भगवद गीता का ये पाठ हम कर रहे हैं इसे सुन कितने लोग रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसको सुनने के लिए दो तरह की क्वालिटीज इंसान के अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज किसी के अंदर नहीं है तो वो इस ज्ञान को सुन नहीं पाएगा, और अगर सुन भी लिया तो उसको समझ नहीं आएगा। तो दो क्वालिटीज कौन सी हैं? एक तो वो भगवान का भक्त होना चाहिए, ही शुड बी डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्णा का जो भक्त होगा वो उनको समर्पित होगा, और जो गुरु को समर्पित हो जाता है उसे गुरु अवश्य ही ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण को अगर अपना गुरु, अपना स्वामी, अपना पिता समझकर हम उन पर समर्पित हो जाएं, तो भगवान हमें अवश्य ही ये ज्ञान देंगे और समझने के लिए बुद्धि प्रदान करेंगे। दूसरा कौन होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी क्या है? इंसान को भगवान अपना वेल विशर समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे वेल विशर हैं, वही हमारे मित्र हैं, तो हमें उन पर विश्वास होगा। हमें अपने वेल विशर पर विश्वास होता है ना कि ये मेरे भैया हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये हमेशा मेरा अच्छा अच्छा करेंगे, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा हमेशा अच्छा करेंगे, ये मम्मी हैं, ये माता जी हैं, ये हमेशा मेरा अच्छा करेंगी, तो हमें उन पर विश्वास होता है। इसी तरह हमें भगवान पर विश्वास होना चाहिए कि वो हमारे मित्र हैं, वही हमारे सबसे बड़े वेलविशर हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं उनसे ऊपर भी भगवान कृष्ण हैं जो हमारे वेलविशर होते हैं। अगर ये दो क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएं तो हम भगवद गीता को सुनने के अधिकारी बन जाएंगे, और भगवद गीता को सुनने के साथ साथ उसे समझने के भी अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि भगवान फिर हमें वो बुद्धि प्रदान करेंगे अगर हम उनकी शरण में चले जाएं। हरे कृष्णा, तो भगवान अर्जुन को यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये दो क्वालिटीज हैं, इसलिए ये ज्ञान तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। हरे कृष्णा, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ज्ञान योग पर चर्चा चलती रहेगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा, तब भगवद गीता हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होगी, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। अगर हमें मटेरियली प्रोग्रेस करनी है तो उसके लिए भी भगवद गीता बहुत सहायक है, आध्यात्मिक रूप से हमें प्रोग्रेस करनी है उसके लिए भी भगवद गीता सहायक है। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है इंसान के जीवन को जीने के लिए।
सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।